तेरा साथ है कितना प्यारा, गम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। अरेंज मैरिज थी हमारी तो, और देखे रंग रूप सुंदर था उस टाइम में, तो फिजिकल अट्रैक्शन ही थी खाली। तो बस देखते ही पसंद आ गई। हम लोग बहुत ही उम्र में छोटे थे, और जब शादी की बात चली तो मैंने अपने हस्बैंड को जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा यही मेरे लिए परफेक्ट लड़का है जो मेरे पापा ने मेरे लिए चुना है। जितना भी मैंने प्रोग्रेस किया, जितना भी स्टडीज किया, आई थिंक पापा वाज द स्ट्रॉन्ग पिलर बिहाइंड इट। आई डोंट थिंक अगर पापा सपोर्ट नहीं करते तो द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव टुडे, आई डोंट थिंक आई वुड हैव इट। मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया पापा का। वो अगर चाहते तो शायद हो सकता है मेरा 10th के बाद शादी हो जाती, पर आई थिंक पापा वाज टू स्ट्रांग ऑलवेज टू से दैट माय डॉटर हैज टू बिकम इंडिपेंडेंट। मैं बीकॉम कर रहा था और उस टाइम यही चलन था कि बीकॉम कर लो और उसके बाद में शादी करके पापा के बिजनेस को ज्वाइन कर लो। लेकिन मेरा मन था कि मैं पढ़ाई आगे करूँ, और पापा मम्मी ने मुझे हमेशा इसका इस पर सहयोग दिया। मैं MBA करने के लिए अहमदाबाद गया, उसके बाद में मैंने जॉब किया जो कि एक मारवाड़ी फैमिली के लिए बहुत ही अलग लाइन थी, लेकिन इस पे पापा ने मुझे हमेशा सहयोग दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ। घर का सबसे छोटा लड़का होते हुए मैंने बहुत सारी लिबर्टीज ली पापा मम्मी के साथ में, बहुत सारी मीठी तकरार, कई बार काफ़ी नोक झोंक, पर हमेशा प्यार और सम्मान उसी तरह रखा जैसा एक आदर्श बेटे को होना चाहिए। मैं हमेशा यही कामना करूंगा कि मम्मी पापा आप लोग दोनों स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, और एक दूसरे के लिए जान न्योछावर करते रहें जैसे आपने पिछले 50 साल में किया है। शुरू में जब शादी के समय में हमें बहुत दिन दूर रहना पड़ा, जब 12 महीने में वैकेशन मिलता तो मेरे हस्बैंड राजस्थान आते, मेरा कलकत्ता आना जाना रहता, ये बिजनेस के काम से कलकत्ते में ही रहते थे, तो आना जैसे बहुत फील तो बहुत अच्छा होता था, पर बहुत मिस करती थी कि कब हम लोग एक अपना घर बनाए रहें साथ में। मेन चीज़ है वो हमेशा साथ में मेरे रही, और जैसा मैंने बोला उसको उतना वो काम कर देती है। जहाँ भी बोला कि भी तुम जाओ, बोल्डनेस बहुत है उसमें, तो जहाँ बोले उसको वहाँ वो उसको भेजते थे हम बाहर में स्कूलों में और कॉलेजों में, तो जाके करती थी, अपनी पर्सनैलिटी से ही फायदा उठाती थी बच्चों के साथ। बच्चों का ध्यान रखना वो उसका मेन काम था उसका। आज जो बच्चे इतने बड़े होकर के सब पढ़ लिख के अचीवमेंट किए हैं वो सारा उसी का देन है। इनका जो सपोर्ट था मुझे उसी से मैंने मैनेज किया कि ये सुख से रहे, ये शांति से रहें, कहीं भी रहें मैं संभालूंगी सब। ये मेरे में हिम्मत थी, अकेली रहती थी इसलिए ये हिम्मत मुझे ईश्वर ने दी कि मेरे पति मुझसे दूर है, मुझे मेरे बच्चों को भी देखना है, और सब कुछ इन्होंने ही किया सपोर्ट।
हैप्पी एनिवर्सरी पापा मम्मी। घर में छोटों को रास्ता दिखाने के लिए पेरेंट्स ही आइडियल होते हैं और बहुत तरीकों से आपसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। योर सपोर्ट फॉर ईच अदर हैज टॉट मी सॉलिडैरिटी, कंपेनियनशिप इन लाइफ। यू हैव टॉट अस हाउ टू लिव एंड वर्क टुगेदर इन ऑल फील्ड्स ऑफ आवर लाइफ्स। थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमेशा हेल्थी रहें, हमेशा खुश रहें। हैप्पी एनिवर्सरी। रिक्वेस्ट टू पापा मम्मी इज एंजॉय लाइफ लॉट मोर टुगेदर। लोग जो कम करें एंड ट्रैवल द वर्ल्ड, कम एंड स्पेंड सम टाइम विद अस इन हैदराबाद एंड विद द ग्रैंडकिड्स। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे ऐसा लगा था पता नहीं ससुराल कैसा होगा, लेकिन यहाँ आई तो ऐसे लगा ओह माय गॉड पापा इतने फ्री, कि मेरे पापा भी उतने फ्री नहीं है मुझसे। आई एम वेरी क्लोज टू माय पापा बट आई एम मच क्लोजर टू माय फादर इन लॉ। एंड मम्मी एकदम फ्रेंड की जैसी, जैसा होता है वैसे बता देते हैं। आई एम ब्लेस्ड टू हैव पापा एंड मम्मी एज माई फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। भाई साहब बुदमल जी और हम बचपन से ही एक साथ में खेले कूदे हैं और फिर जैसे 9th क्लास के बाद में हम लोग वहाँ से ये हायर सेकेंडरी करके फिर कलकत्ता आए और कलकत्ता में भी हम लोग साथ में ही थे। जो भी हम लोग ये थोड़ा स्ट्रगल जो भी हम लोग करते करते आगे बढ़े और उसके बाद में फिर मैं सूरत चला गया और वो भाई साहब जो है कलकत्ता थे, लेकिन सूरत जाने के बावजूद भी हम लोगों का जो है बहुत ज़्यादा आपस में स्नेह और प्रेम रहा। उनका जो स्नेह था, भाभी जी का जो है स्नेह और प्यार था, वो हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। आगे जो लाइफ है वो बहुत ही आनंद उत्साह और खुशियों से भरी रहे, ऐसी शुभकामना। आज मेरी खुशी का बहुत बड़ा दिन है। आज मेरे बच्चों ने मेरी 50वीं शादी की सालगिरह का जो जश्न तैयार किया है वो देख के मैं फूली नहीं समा रही हूँ। मेरी बेटी जैसी बहुएं, मेरी बेटी, मेरे दामाद, मेरे पोते दोईते, सबको देख के मैं आज फूली नहीं समा रही हूँ। मेरे पति की आयु लंबी हो, ये मेरी बहुत बड़ी प्रार्थना है। जैसे अभी तक जीवन बीता है, आगे फ्यूचर में भी वैसा ही बीत जाए बढ़िया है। मैं मारा पुत्र बुद्धमल बिमला देवी पुत्र बंधु की शादी 50वीं शादी की सालगिरह में बहुत बहुत आशीष देता हूँ।